Hello friends, hope everybody is fine. So today we will start a next preparatory reaction for hydrogen, and this is Chlor Alkali process. ठीक है, इसके बारे में मुझे लगता है तुम लोगों ने शायद क्लास 10th में भी जो है वो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा हुआ है. ठीक है, आज मैं ये डिटेल में तुम लोगों को समझाऊंगा कि क्लोर एल्कली प्रोसेस जो है वो होता क्या है. ठीक है, तो देखो अभी हम लोग बात करेंगे. सबसे पहले ये टर्म कौन सी है, क्लोर एल्कली. तो क्लोर एल्कली से मतलब क्या है, क्लोर का मतलब है क्लोरीन. क्लोर वर्ड जो है इस प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने क्लोरीन से लिया, और जो एल्कली वर्ड है वो तुम लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि एल्कलीज जो होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल बेसिस होते हैं. ठीक है, तो इस रिएक्शन में हम लोग जो है वो NaOH यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला है, क्लोर एल्कली प्रोसेस. होप ये सबको क्लियर हो गया कि क्लोर एल्कली प्रोसेस जो है वो क्यों है. ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में इसमें हो क्या रहा है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करने वाला है वो है, पहले सबसे पहले मैं इसको टेकअप करूंगा, ये जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है यहां पे आपको बोर्ड के सामने नजर आ रहा होगा, ब्राइन सॉल्यूशन. ठीक है, तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl से क्या मतलब है कि अगर हम लोग NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें तो वो जो सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. सो बैक टू बिजनेस, अगर हम लोग बात करें कि हम लोग क्या चीज करने वाले हैं इसके अंदर, तो वो है प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने हाइड्रोजन की बात तो की नहीं, हम लोगों ने यह समझ लिया कि क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको क्यों बोलते हैं, दूसरा ब्राइन सॉल्यूशन होता क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH आपको समझ में आ गया. तो सबसे पहले मैं लाइन पढ़ूंगा यहां पे, हाइड्रोजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग NaOH. ठीक है, तो NaOH एक एल्कली है, अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मतलब इसको अगर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, किसके थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू अगर हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो हाइड्रोजन हमारे पास आ रहा है दैट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, तो इसमें हो क्या रहा है. ठीक है, तो इसको देखो जरा ध्यान से, देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, सब लोगों को मालूम है कि NaCl जो है वो एक कोवेलेंट नहीं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होने की वजह से ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जो है वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है. आई होप सबको ये क्लियर है. ठीक है, तो देखो हमारे पास जो है दो आयन्स निकल के आते हैं यहां पे, एक तो Cl नेगेटिव, तो देखो Cl नेगेटिव आयन का यहां पे क्या होता है, Cl नेगेटिव जो है वो एनोड के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटिस करने वाला, कि ये जो Cl नेगेटिव है ये एनोड पे दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है. ठीक है, सॉरी ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इज रिडक्शन. ठीक है, तो यहां पे जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, और किसमें चेंज हो रहा है, यहां पे क्लोरीन गैस के अंदर चेंज हो रहा है. ठीक है, तो होप सबको क्लियर हो गया कि एनोड पे अगर मैं ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं तो मेरे पास जो है वो क्लोरीन गैस ऑब्टेन हो रही है, कहां पे, एनोड पे. ठीक है, तो आगे अगर हम लोग इस रिएक्शन की बात करें तो एक्वस से मतलब वाटर है, तो कैथोड पे देखो क्या होता है, वाटर का रिडक्शन हो रहा है. यहां पे वाटर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, और किसमें चेंज हो रहा है, 2OH नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो देखो कैथोड पे हमारे पास कौन सी गैस जो है वो ऑब्टेन हो रही है, हमारे पास H2 हाइड्रोजन. तो इसी के बारे में हम लोगों ने जो है वो बात करनी है, क्योंकि हम लोग प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कर रहे हैं. तो एक बार मैं फिर से समराइज कर दूं, एनोड पे जो है 2 क्लोरीन नेगेटिव क्लोरीन में चेंज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो क्लोरीन गैस हमारे पास जो है वो एनोड पे रिलीज हो रही है. सिमिलरली वाटर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, 2OH नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन में जो है वो चेंज हो रहा है. ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है हमारे पास कहां पे रिलीज हो रही है, यहां पे कैथोड पे रिलीज हो रही है. ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl हम लोगों ने लिया था, इसमें Na पॉजिटिव आयन भी है, तो Na पॉजिटिव आयन है, तो देखो ओवरऑल रिएक्शन में कैसे लिखूंगा इसको, 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स, ये एरो लगाना भूल गया मैं यहां पे, गिव्स क्या बनेगा यहां पे, Cl2 प्लस H2 प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. तो इसको अगर मैं कॉम्बिनेशन में बात करूं तो इट इज एक्चुअली 2Na पॉजिटिव, सॉरी 2NaOH. ठीक है, तो यहां पे क्लोरीन गैस एनोड पे,
कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और जो 2NaOH है यहाँ पे जो है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH के अंदर जो कि यहाँ पे इसको मैंने आयंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, जो यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसके इलेक्ट्रोलिसिस से, ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से, जो कि एक्वस NaCl है, हमारे पास जो है हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड पे ऑब्टेन जो है वो हम लोग कर रहे हैं। होप आपको ये सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। मेरे से थोड़ा बोलते टाइम पे कुछ इसमें मिस्टेक्स हो गई थी, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से जो है इस चीज़ को ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो ठीक है, मेरे को भी कमेंट्स मिले हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी मैं शायद थोड़ा वर्कआउट करूँगा अगर आप लोग सब मुझे कहेंगे तो। ठीक है, चलो, तो और तो इसमें मुझे लगता नहीं है कुछ हम लोगों ने छोड़ा है। ठीक है, बाकी अगर आपको नेक्स्ट रिएक्शन जो है हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी इस रिएक्शन से रिलेटेड डाउट्स हो या आपके कमेंट्स हो इस वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब भी करना है आपको, लाइक भी करना है और मुझे मैसेज भी करना है। ठीक है, और क्या दब के लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट।